दिसंबर आज है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण है, उनका देहांत आज के दिन हुआ है। आज इतने तादाद में एक तरफ नीला समुंदर है, अरबी महासागर है, और दूसरी तरफ ये जन समुदाय, ये महासागर है जो बाबा साहब को मानने वाला है, यहाँ पे उनका सैलाब आया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े चैनल है, आज तक, NDTV, जो जो बड़े चैनल है, कोई भी अंबेडकरी समाज के जो प्रश्न है, जो मेन प्रश्न है, स्कॉलरशिप का प्रश्न है, आरक्षण का प्रश्न है, अनेक प्रश्न लेके उस पर बात नहीं करता। हम लोग ने ओन मीडिया करके हमारा एक पेज ओपन किया है, एक हमारा ग्रुप ओपन किया है, और ओन मीडिया, आवर मीडिया करके हम जहाँ जहाँ अंबेडकरी समाज, जहाँ जहाँ किसी भी जाति जमाती पे अत्याचार होता है या उनका कुछ इश्यूज रहता है, उसके ऊपर हम लोग कवर करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उनको वंदन करने के लिए, उनको मान वंदना देने के लिए भीमा कोरेगांव में 200 साल का एनिवर्सरी मनाने के लिए आए, लेकिन वहाँ भी उधर कुछ जातिवादी, जो फैसिज्म लोग हैं, जो जातिवाद को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर हल्ला कर दिया, और हल्ला करने के बाद एक भी मीडिया ने उधर दिखाया नहीं। तभी हम लोग को याद आया कि हमारे पास अपना सोशल मीडिया है, हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, हमारे पास यूट्यूब है, और अपने लोगों का आवाज़ आप उन लोग पूरे जग में दिखाएंगे कि कैसे ये देश में, जहाँ पे एक आदमी ने देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसके ही बच्चों पे, उस पर ही मानने वाले लोगों पे यहाँ पे अत्याचार किया जाता है, ये कौन सा देश है। भीमा कोरेगांव को ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें जो महार कम्युनिटी वो लड़ी थी, उस समय 1818 तक जो भी कम्युनिटी थी उस सबको बहुत सी चीज़ें प्रोहिबिटेड थी। जो महाराष्ट्र में टॉप मोस्ट कास्ट है, अपने आप को अपर क्लास समझते, उनकी भी सेम कंडीशन थी। समता से निधर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाबा साहब ने 1927 में फॉर्म किया था, टू प्रोटेक्ट अवर पीपल, टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, टू प्रोटेक्ट द कंट्री। सो इस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम 6 दिसंबर को हर साल चैत्य भूमि दादर में आते हैं, और वहाँ आकर हम एज अवेयरनेस पर रोड शो करते हैं। उसमें हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जो भी अभी हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं उसके ऊपर रहते हैं, एजुकेशन के ऊपर रहता है। 1 जनवरी को जो घटना हुई उधर, कुछ 50-60 लोगों ने पहले उन्होंने रोड ब्लॉक किया, पुलिस सब कुर्सी पे बैठे थे, हमारे पास उसका वीडियो है, पुलिस का जो उधर बैठी थी हम उनको बोल रहे हैं कि बहुत पब्लिक आ रही है, आप कुछ करो। और उसके बाद 4 बजे से उधर सब शुरू हो गया, उधर से धुआं आने लगा, सब पुलिस आ गई, हम उनको 4 बजे से 6 बजे तक बोल रहे थे उधर कुछ हो रहा है, पुलिस मंगाओ, पुलिस मंगाओ। उन्होंने 8 बजे तक कुछ नहीं किया। अगर ये बात मीडिया को पता चल सकती है तो हमारा IB क्या जग मार रहे क्या? सादा लॉजिक है ना, IB से रोड पर कुछ हो तो IB को पता चलता है। ये 6 महीने का इनका तो प्लानिंग, एक दिन का नहीं होगा ना, ये बहुत दिन का प्लानिंग होगा। भीमा कोरेगांव के थोड़ा साइड में लोनिकन गाँव है, और ये खराड़ी बाईपास है, उधर से तक नगर तक पूरा रोड ब्लॉक हुआ था। वो इधर कुछ नहीं कर सकते थे पुणे की तरफ, सनसवाड़ी से हमारे बहुत कम लोग आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, भीमा कोरेगांव का एक ग्राम पंचायत है, मतलब जो लोकल ऑफिसर था ना वो था, उसके ऊपर उन्होंने ऐसे स्टोन रखे थे बड़े बड़े, उसमें भर के रखे थे, और कुछ लोग किधर भी ऐसे छुप के बैठे थे, तो जो भी लोग उधर से आएंगे वो पत्थर मार देते गाड़ी के ऊपर, दिख नहीं रहे तो करेंगे क्या। और एक्चुअली पुलिस भी किसी को उधर छोड़ नहीं रही थी, जो गांव में चल रहा था वो गांव में ही चल रहा था। उसके बाद 8 बजे के बाद सब उधर पुलिस आ गई, अगर पुलिस सुबह 9 बजे आती ना तो इधर कुछ नहीं होता। मतलब इसका सिस्टमेटिक प्लानिंग था ना जो हम समझ नहीं रहे थे, इन्होंने बहुत पहले प्लान किया था, उन्हें पता था कि इनके 5 साल से लेकर 5 महीने से लेकर 50 साल के बहुत इधर आदमी है, उनका प्लान यही था कि इधर कुछ भी हो जाए इधर बहुत बड़ा दंगल हो जाए, दंगल मतलब सब इधर उधर भागे तो खूब बहुत लोग मर सकते हैं, उनका प्लानिंग वही था। बाहर मैसेज क्या गया, भीमा कोरेगांव में दंगल हो गए, लोगों को क्या लगेगा, तो स्तंभ के पास हो गए, लेकिन वो उधर नहीं होता, जो गांव है भीमा कोरेगांव उधर सब गाड़ियाँ चलाई गई थी, लेकिन बाहर मैसेज क्या जाएगा, ऐसा मैसेज गया तो लोग क्या क्या सोचेंगे, उधर कुछ तो हो गए तो सब भागते जाएंगे, सब कुछ भी क्या भी हो सकता था। एल्गार परिषद संबंध जुड़ रही, इसका उससे कुछ भी संबंध नहीं, सब डाइवर्ट करने का मैटर है, उस एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव दूर दूर कोई संबंध नहीं, लेकिन सब रिलेट कर रहे। छः दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है, उसी दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया, क्योंकि बाबा साहब को महत्व को और उनके महानिर्वाण दिन को कलंक लगना चाहिए। तो 1 जनवरी दिन जो ऐसा है कि उस दिन 200 साल पूरे होते थे किसको, वो ब्रिटिश ने जो स्तंभ खड़ा करवा दिया है पुणे के यहाँ, तो उसको 200 दिन है, और उसी वक्त भारत से सारे लोग वहाँ आए थे अभिवादन करने के लिए,
उसी दिन ही उन्होंने उस एक दूसरी कंपेयरिंग करके वहाँ एक दंगल ये करवा दिया। ये बहुत ही गलत है। भीमा कोरेगाव हल्ल्याचा पर्दाफाश। सभी साथियों को जय हिंद। मैं सुवर्ण सालवे समता कला मंच की कार्यकर्ता हूँ। समता कला मंच के माध्यम से अलग अलग साहित्य निकालते रहते हैं, जैसे कि रोहित में मोल्ला को किसने मारा, जो सुधीर ढोले ने लिखा हुआ है, या हम कई अलग अलग तरीके के गाने लिखते हैं। हम कला पथक के लोग मानते हैं कि कला को लेकर अगर हम जनता में जाए तो उससे प्रबोधन होगा। प्रबोधन के बाद लोग एक साथ आएंगे। एक साथ आने के बाद इस व्यवस्था के खिलाफ, इस जातिवादी, भांडवली, ब्राह्मणी, मनुवादी, फासीवादी व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। आई एम एडवोकेट बंसोड़े, पॉपुलरली आई एम नोन एज बीजी बंसोड़े इन महाराष्ट्र। आई फील इट वॉज प्लान एक्ट, प्लान कॉन्स्पिरसी। थाउजेंड्स ऑफ बसेस वेर बर्न्ड, द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रॉयड, हेल्पलेस वीमेन, एजेड मेल, स्मॉल चिल्ड्रन, दे वर अटैक्ड। सच थिंग डिडंट हैपन इन महाराष्ट्र, नेवर हैपन इन सच अ ह्यूज गैदरिंग। Lakhs of people come there. Very peculiar and very amazing or very strange to say that cases against Bhide Guruji have been withdrawn immediately. The Dalit people, the combing operation you have seen, that even the students of the IAS and IPS, they have been made accused. And now even the girls, I think from Kalyan, they were doing the IAS, IPS, they were appearing. They have been made accused and not a single case has been withdrawn against the Dalit or marginalized people. Vadhu Budruk, I have seen all places personally. I have inspected, I have visited only shops, farms, houses are burnt that below they belong to Muslim community, Dalit, Buddhist and Christian people. One girl from Matang community, suspiciously she found dead, but that case has been made rafa dafa. Devendra Fadnavis, honorable chief minister. As far as Jaukheda murder case, multiple murders they were. CM was just sitting behind, aside of that mother of the deceased, and assuring that the culprits are to be booked today only. They will be booked, they will be caught, they will be arrested, and on same day the family members, brothers, etc., they were made the accused. And now the same approach I feel, now he is coming with the case of this Elgar Parishad, same thing. He doesn't want that truth should prevail. Amit Bhongade, jo Yavatmal ka youth hai, हॉस्टल में पढ़ता है, लास्ट ईयर बीकॉम को था, वो समता सैनिक दल का स्वयंसेवक है। वो यहाँ 1 जनवरी को इधर आया था, सैल्यूट करने के लिए आया था। सैल्यूट करने के बाद वो जा रहा था, तभी सनसवाड़ी और शुक्रापुर के बीच में उसके गाड़ी पे कास्टिस्ट लोगों ने बहुत बड़ा अटैक किया। जीवी, मेरा नाम अमित भोंगाड़े है। मुझे भीमा कोरेगाँव दंगल में बहुत लगा था, इसलिए मैं दो महीने सुजन के हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शासकीय जॉब मिलनी चाहिए और आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। जय भीम, मेरा माँ अशोक आठवले सनसवाड़ी। जे 1 तारखेला भीमा कोरेगाँव मध्ये जे जातीय भयाड हल्ला झाला त्याच्यातले एक विक्टीम आहे। आज जवळजवळ 1 वर्ष पूर्ण होत आलेलं आहे, तरी सरकारने कुठलीही कारवाई केलेली नाही आहे।
आणि आज मी 26 दिवस झाले जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे इथे धरणे आंदोलन करते आहे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज आमची कुठलीही दखल घेतलेली नाही आहे. फक्त आमची नुकसान भरपाई मिळाली, परंतु माझा जे 25 वर्षापासून जे मी बिझनेस तिथं सेट केला होता ते पूर्ण उद्ध्वस्त झाला. माझ्या पतीला एवढी मारहाण झाली आणि मी आरोप्यांचे नावासहित मी FIR दिली तरी त्या आरोप्यांना आत्तापर्यंत अद्याप अटक झालेलं नाही आहे. 1 जानेवारी को जो जातिवादी लोगों ने जो हल्ला किया वो हल्ला मैंने पूरे आँखों से मेरी औरत मेरे बच्चे इन्होंने सब देखा है. जो 1 तारीख को जो हल्ला हो गया वो हल्ले में ज़्यादातर हमारे जो रिश्तेदार है जो गांव में रहते थे काम धंधा करते थे वो लोग पूरा गांव छोड़ के चले गए. ये वो गांव में अभी आज भी इतनी दहशत है कि वो कोरेगा भीमा का कोई भी जिक्र हो तो आदमी डरता है. और वो गाँव में से कम 50% लोग जो काम के वजह से आए थे कंपनी में काम करने के लिए तो वो सब छोड़ के चले गए. मेरा फैब्रिकेशन का बहुत बड़ा शॉप था, मेरे पास 13 लोग काम करते थे और वो 13 लोग मतलब मेरा हर साल मतलब हर महीना कहीं नहीं बोले तो मैं 1.5-2 लाख का मेरा टर्नओवर था. तो वो उनको देखा नहीं गया और वो जलाने की वजह यही कि उस दिन गाँव वाले ने पूरा गाँव बंद रखा था और हमने कम से कम 1.5-2 हज़ार लोगों का नहाने का नाश्ते का उनका रहने का बोल तो चाय पानी का खर्चा हम खुद हमारी ट्रस्ट की वजह से हम उठाते हैं हर साल. क्योंकि भाई हमारे लोग आते हैं उनको चाय मिलना चाहिए, हमारा जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से हम वो हर साल करते हैं. अरे काम मैं कम से कम 20-25 साल से कर रहा हूँ. कोरेगाँव सनसवाड़ी और वड़ू ये गाँव के लोगों ने मिल के ग्राम पंचायत सदस्य सरपंच ये लोगों ने पूरा एक मीटिंग लेके गुप्त मीटिंग लेके और ग्राम पंचायत का लेटर पैड के ऊपर कि 1 जानेवारी को पूरा गांव बंद रखने का. क्योंकि वो लोग आते हैं और खोटा इतिहास लोगों को बताते हैं इसकी वजह से उनको पानी नहीं मिलना चाहिए खाना नहीं मिलना चाहिए. उनको देखा नहीं गया जो मेरा प्रोग्रेस देखा नहीं गया. मेरे 3 बच्चे पढ़ते, एक बड़ा बच्चा होटल मैनेजमेंट किया है, दूसरा बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग में फाइनल में है और तीसरा बच्चा मेरा B2nd ईयर को. तो ये इतना बड़ा अटैक मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये गांव वाले के साथ इतना मिलजुल के रहता था कि ये मेरे को ऐसा इतना बड़ा अटैक करेंगे. तो मेरे को 2 बजे एक ग्राम पंचायत का सदस्य उसका फ़ोन आया कि तुम लोग ये गांव में आके ये नाटकबाजी कर रहे हो बंद करो. हाँ तो मेरे को उस दिन 1 तारीख को 2 बजे मेरे को धमकी दिया. तो बाद में हम 7 बजे वहाँ से मेरे दुकान से 1.5 किलोमीटर एक मेरे भाई रहते गाँव में तो 7 बजे हम अंधेरे में हम लोग चले गए भाई के घर पे जाके छुप जाना बोले. तो रास्ते में ये लोग थोड़ा आगे निकल गए मैं पीछे रह गया. ये लोग घर पे गए तो मैं रात को मतलब 7:30 बजे के करीब वो लोग मेरे को पहचान लिए. तो जिसने पहचाना उसने फ़ोन करके लगेज जितना उसका ग्रुप है तो सबको बोल दिया कि आठोली इधर आ गया है जल्दी आओ. मैं जैसा ही वो सुना तो मैं रास्ते से भागने लगा. 10 मिनट के अंदर कम से कम 50-60 लोग आ गए लड़के लोग गाड़ी लेके मोटरसाइकिल. तो उसने मेरे को मैं ऐसा भागा कि ये कंपनी के जाके पीछे ही छुप गया. तो आधा पौन घंटा में उनको मिला नहीं. फिर आखिर मेरे को ढूंढा उन्होंने, ढूंढ के बहुत मारा. कान का मेरा पूरा अभी सुनने को नहीं आता, मेरे को तो अभी भी कम सुनने को आता. ये आग पूरा ये हो गया था ऐसा रक्त कुन आया था. फिर 1 घंटे के बाद मेरे को 1 घंटा आधा पौन घंटा मारने के बाद फिर वो जमाव का एक लड़का है उसने बोला कि पेट्रोल निकालो गाड़ी का इसको फूंक के मार दो. फिर वही जितने जो 50 साल लड़के थे उसमें से फ़ोन लगाया एक माजी सरपंच उसको बोला कि अभी 8 बजे को मारने वाले. फिर सरपंच ने फ़ोन करके बोला कि तू स्पीकर ऑन करके उसको सुना दे वो लोगों को जो मार रहे हैं उनको बता दे. तो उन्होंने बताया कि अगर 8 बजे को अभी मारा है जिंदा मारोगे तो पूरा गाँव इसमें घेरे में आएगा सब लोगों का बोल तो जीना मुश्किल हो जाएगा. ये सुना है लोग और उसका थोड़ा सा गुस्सा उनका शांत हो गया. फिर मेरे को वहाँ से मैं 2 घंटा मैं ऐसे ही वो पूरा जंगल था मतलब रास्ता नहीं था कच्चा रास्ता. मेरे भाई का घर मेरे को नहीं मिला जल्दी. मैं 2 घंटा ऐसे ही घूमता रहा, मार लगा था बोल तो पूरा मैं हैंग हो गया था, समझ रहा था रास्ता किधर है. फिर 2 घंटे के बाद हम मेरे भाई के घर पर गए. मेरा लड़का पुणे में काम करता था वो जो मेरे लड़के का दोस्त है उसने फ़ोन करके बताया कि भाई तेरे परिवार को यहाँ से लेके जाना है तो ये लोग मार देंगे.
फिर वो उसने उसके दोस्त की गाड़ी लेके आया 12:30-1 बजे पुणे सनसवाड़ी में सराठी बस्ती बोल के। तो 1 बजे आने के बाद हम कैसा भी जान छुपा के वो आया पुणे के अंदर। हम रात को कम से कम 1:30-1:45 बजे आ गए, तब हमको थोड़ा सा सुकून हो गया कि भाई हम बच गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, खाली जात बोल के कि भाई ये कम्युनिटी के है करके हमारे पर हाल लगी है। पुलिस संरक्षण में हम लोग कभी 8 दिन को 15 दिन को हम जाते हैं, आज भी जाता है। पूरा डॉक्यूमेंट जल गया है, वो डॉक्यूमेंट निकालने के लिए तुम्हारा बच्चों का स्कूल का सर्टिफिकेट निकालने के लिए ये छोटा मोटा कुछ काम निकलता ही है। एक साइड में घर था, एक साइड में शॉप था, तो पहले घर जलाया बाद में शॉप जलाया। 14 लोग तो मैंने देखा है, मगर जो 14 लोगों के साथ है, 500 आदमी का अटैक करने के लिए मेरी दुकान पर आया था ना, तो 14 लोग में से अगर एक को भी पकड़ लिया तो बता देगा कि वो कौन कौन थे। और जो उधर 50-60 आदमी जो मेरे को खेत में मारा है, उसमें से जिसने फ़ोन करके बुलाया, अगर उसको पकड़ के पूछेंगे पूछताछ अच्छी होगी तो 50 आदमी भी कौन थे वो बताएगा। पुलिस का कैसा है भैया? पुलिस तो बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्स देती नहीं है। कभी भी जाओ पुलिस क्या बोलती है, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, SC ST एक्ट के अनुसार 60 दिन के अंदर FIR दाखिल होना मांगता है, वो तो चार्जशीट दाखिल होना मांगता है। अभी 12 महीना हो रहा है तो अब तक ये चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं हो रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा कहने का एक ही मतलब है कि ये लोगों के ऊपर जितने जल्दी हो सके इनको अरेस्ट करके चार्जशीट डाल के उनको जेल में बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हरा भरा घर हमको बर्बाद करके इन्होंने बोल तो मेरा दुकान शट करने के लिए मेरे को 25 साल लग गए, मगर ये खाली 2 घंटे के अंदर हमारा पूरा घर परिवार बर्बाद करके रखा है लोगों को। मिलिंद एक बोटे का तो 100% इसमें इन्वॉल्व है, और एक मिलिंद एक बोटे के आदमी सनसवाड़ी में है, प्रोग्राम है 31 तारीख को मिलिंद एक बोटे सनसवाड़ी में शुभ मंगल कार्यालय में आया था, लोगों को भड़का के दिया। भड़काने के बाद तो सनसवाड़ी में दंगल हो गई, और मिलिंद एक बोटे का आदमी वो मेरे को जो मारा है वो मिडगुली बोल के उसका कट्टर समर्थक है, और सनसवाड़ी का पूरा दंगल वो उसी ने हैंडल किया है। तो ये हेयरिंग के बारे में तो हमको पूरा ये एक तरफ जा रहा है हेयरिंग कमीशन का जो है, हाँ कमीशन का ये खाली सरकार की जो पॉलिसी है ये लोगों को कुछ ठंडा करके बोल तो इनका जो गुस्सा है थोड़ा कम करने के लिए ये मेरे को लगता है ये हेयरिंग के नाम पर ये एक धोखा है। अभी जो हेयरिंग में जो मिलने वाला है उनको पॉइंट दंगल किसने की, हमने जो 31 तारीख का लिखा है हमने दोनों ने लिखा है 31 तारीख और 1 जनवरी का, तो हमने पूरा आंखों देखा हाल हमने उसमें दिया है। तो हमारा हेयरिंग में 131वां नंबर, तो जब तक वो पहले आएगा तो पूरा दंगल किसने की है वो तो पूरा उसे मिल सकता है, मगर ये लोग 131 क्यों डाला है हमको पता नहीं। कमीशन का काम जब शुरू हुआ तो उसी दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र जी फडणवीस कहते हैं कि संभाजी भिड़े को क्लीन चिट दी गई है। संभाजी भिड़े का और भीमा कोरेगांव के जातीय अटैक का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ 3-4 महीनों में जो काम चल रहा है आयोग का वो सब बायस पद्धति से चल रहा है, वो हिंदुज़म के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा वो ये देते हैं महत्व देते हैं, और दलित जो विक्टिम है उनको बुलाया भी नहीं जाता। उनके जो पुलिस है उनके जो वकील है उनका रवैया दलित पीड़ितों के दलित विक्टिम के तरफ देखने का बहुत ही गंदा है। जिस दिन दंगल हो गई सनसवाड़ी में तो गांव का पूरा जो पुढ़ारी है राष्ट्रवादी कांग्रेस है बीजेपी है शिवसेना सब इन्वॉल्व थे उसमें। 31 तारीख को कम से कम 1.5-2 हज़ार लोग घूम के पूरा गांव में बता रहे कि 1 जनवरी को पूरा दुकान मार्केट बंद, कुछ रखने का नहीं, अगर किसी ने चालू रखा तो 50,000 फाइन ऐसा बोल के जोर जोर से बोल रहे थे सारे पॉलिटिकल लोग। पूरा पार्टी मिला हुआ था इसमें, ऐसा नहीं कि अलग एक ही पार्टी का था, पूरा गांव का पूरा आदमी था उसमें। कौन कौन पार्टी बता रहे हैं? शिवसेना बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस ये सब थे, 4 पार्टी तो मेन था, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, हाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीजेपी के शिवसेना के। सच है तो मेरे को लगता है हेयरिंग में निकलेगा नहीं। 11 नवंबर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है 8-10 लोग हो गया होगा, बहुत बड़ा लिस्ट है, ऐसे चलते रहेगा तो उसको कम से कम 2 साल लगेंगे। आमची मागणी अशी आहे जे भीमा कोरेगावच्या हल्ल्यामध्ये जे आम्ही जे नावं दिलेत आरोपींचे
किंवा इतर काही एफ आय आर आहेत, जवळजवळ 24 एफ आय आर आहेत, पूर्ण अड्रॅशिटी लागलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये नावाशी आहे की आमच्या एफ आय आरमध्ये 14 लोकांचे नाव आहे, त्यांना पहिला अटक झाली पाहिजे आणि आमची चार्जशीट गेली पाहिजे. आणि दुसरी मागणी माझी अशी आहे, जे मी आता विस्थापित झाले, सणसवाडी गाव सोडलं, माझा धंदा नाही आहे, माझे मुलं शिकायला आहेत, माझं पुनर्वसन झालं पाहिजे, जागा देऊन मला सरकारने घर बांधून दिलं पाहिजे. नाही, आत्ता परत त्या गावातल्या लोकांवर आमचा विश्वास राहिलेला नाही आहे, त्याच्यामुळं मला पुनर्वसन जरी केलं तर मला सणसवाडीत नको आहे. मी त्या गावात आता परत नाही राहू शकत. मला भीमा कोरेगावच्या ह्या साईडला, पुणे ह्या साईडला कुठेही तरी पुनर्वसन केलं तरी चालेल. जिन लोगों के उसमें नाम आए हैं, उसमें जो एक लोग है उसका नाम है बीड़े ना, उसको 1987 में भी उधर आने के लिए बैन था भीमा कोरेगाव में, जिसने जो इधर वारी रही थी महाराष्ट्र की, तो उसमें वो तलवार लेके आता है, इसलिए उसके उधर भी बैन है. एक्चुअली उस पर्सन को हमारा विरोध नहीं है, पर्सन को विरोध करके वो जेल भी जा सकता है, लेकिन ये जो थिंकिंग है, एक्चुअली हमें रूट पर काम करना चाहिए. ये भीड़े जैसे लोग सब उसकी टहनी है, उसका रूट नहीं है. तो एक्चुअली ये एक आएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, लेकिन जो बेस है हमें उस पर काम करना चाहिए. ये जो थिंकिंग है, ये सबको पता है उसका बेस क्या है. जो पिछले 74.5 साल से आ रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैसा ही चलना चाहिए, जिनको ऐसा लग रहा है कि मनुस्मृति वैसा ही रहना चाहिए, तो वो लोग इसके लिए ट्राई कर रहे हैं. आरएसएस रहने दो, वीएचपी रहने दो, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अभी उन्होंने संविधान रिसेंटली जलाया, किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया. तो जो बाबा साहब ने, हमारा तुम्हारा बाप है जो, उन्होंने कभी तलवार नहीं, उन्होंने क्या बोला, हमारी फाइट ये विचारों से है, हमारी फाइट किसी आदमी से नहीं है, और तलवार हमारी चीज़ नहीं है.